हिंद दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल बीके अकेडमी। बीके अकेडमी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि जीडी आर्मी का क्वेश्चन लिया गया जो न्यू मॉडल 2021 से रिलेटेड है। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया मिलिट्री अकाडमी कहाँ? ऑप्शन नंबर ए में हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी में खड़क वासला, ऑप्शन नंबर सी में देहरादून, ऑप्शन नंबर डी में बेंगलुरु। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी देहरादून। क्वेश्चन नंबर दो, चंद्रमा पृथ्वी पर कितने दिनों में चक्कर पूरा करता है? ऑप्शन नंबर ए में 300 दिन, ऑप्शन नंबर बी में 365 दिन, ऑप्शन नंबर सी में 72 घंटे, ऑप्शन नंबर डी में इनमें 28 दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 28 दिनों में चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर तीन, सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा? ऑप्शन नंबर ए में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी में बिहार, ऑप्शन नंबर डी में आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश, जो कि वहाँ सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन किया जाता है। सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर में ए में गुजरात, ऑप्शन नंबर बी में बिहार, ऑप्शन नंबर सी में मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। साक्षरता सबसे अधिक है केरल का। क्वेश्चन नंबर पाँच, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? ऑप्शन नंबर ए में बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी में चीन, ऑप्शन नंबर सी में पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी में नेपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। कोलकाता किस नदी के किनारे? ऑप्शन नंबर ए में गुमती, ऑप्शन नंबर बी में हुगली, ऑप्शन नंबर सी में सरयू, ऑप्शन नंबर डी में गोदावरी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हुगली, हुगली नदी के किनारे कोलकाता बसा हुआ। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में 1950, ऑप्शन नंबर बी में 1956, ऑप्शन नंबर सी में 1976, ऑप्शन नंबर डी में 1992। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन सर्वप्रथम हुआ था। क्वेश्चन नंबर आठ, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी में रूस, ऑप्शन नंबर सी में फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी में जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर नौवां, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे? ऑप्शन नंबर ए में मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर बी में लियाकत अली, ऑप्शन नंबर सी में शौकत अली खान, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना जो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर दस, बांग्लादेश की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए में 1961, ऑप्शन नंबर बी में 1971, ऑप्शन नंबर सी में 1974, ऑप्शन नंबर डी में 1970। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सही आंसर 1970। कोलेरा अर्थात हैजा किसके कारण होता? ऑप्शन नंबर में स्वाइन फ्लू, ऑप्शन नंबर बी में चिकनगुनिया, ऑप्शन नंबर सी में बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर डी में विवेरियो कोलेरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विवेरियो कोलेरा। अगर दोस्तों मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों, जहरीली गैस है? ऑप्शन नंबर ए में नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी में सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी में मीथेन, ऑप्शन नंबर डी में ओजोन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रस ऑक्साइड, जो सबसे जहरीला गैस है। क्वेश्चन नंबर 13, पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता? ऑप्शन नंबर ए में यकृत, ऑप्शन नंबर बी में गुर्दा, ऑप्शन नंबर सी में तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन नंबर डी में फेफड़ा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यकृत को, पीलिया रोग यकृत को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों, तरंगदैर्ध्य की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए में सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी में मीटर, ऑप्शन नंबर सी में सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी में सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें किस
रंग का सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है? ऑप्शन नंबर ए में लाल, ऑप्शन नंबर बी में हरा रंग, ऑप्शन नंबर सी में काला रंग, ऑप्शन नंबर डी में बैंगनी रंग। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बैंगनी रंग का सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। अगर दोस्तों मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना नहीं भूलिए। थैंक्स फॉर वॉच। जय हिंद दोस्तों।